हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास ट्वेल्थ बोर्ड एग्ज़ाम से रिगार्डिंग नोटिस डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि अभी कल आई है। तो इससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो यहाँ पॉइंट बाय पॉइंट मैं एक्सप्लेन करूँगी। इसके अलावा जो चीज़ नेसेसरी होगी या ज़रूरी नोटिफिकेशन जो फर्दर आएंगे CBSE से रिलेटेड, तो वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सबके पास इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो अच्छे से। और फिज़िकल एजुकेशन और बिज़नेस स्टडी के टॉपिक्स मैं यहाँ पे क्लियर करती हूँ। तो अगर उससे रिगार्डिंग कोई दिक्कत है या कोई टॉपिक का आप क्लियर करना चाहते हैं, चाहे आप बोर्ड के हैं चाहे आप इलेवेंथ के हैं, तो बिल्कुल मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियोज़ देख सकते हैं, तो आपको हेल्पफुल होगा। अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का मेन टॉपिक, जो कि है आपके क्लास ट्वेल्थ बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो बिल्कुल बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड जितना भी आपका टॉपिक वगैरह है, उससे रिलेटेड पॉइंट बाय पॉइंट मैं यहाँ डिस्कस करती हूँ। नंबर वन है, विल बी कंडक्टेड मोस्ट प्रोबेबली एट लास्ट वीक ऑफ जून। एग्ज़ाम्स जो हैं वो ट्वेल्थ बोर्ड बिल्कुल होंगे आपके, जैसे पुराने वाले सेशन का था कि उनके एग्ज़ाम्स दो पेपर उनके नहीं हुए थे, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आपके एग्ज़ाम्स होंगे। और ज़्यादातर उम्मीद ये है कि आपके जून के लास्ट हफ्ता जो है उसमें होंगे आपके ये एग्ज़ाम्स। तो बिल्कुल अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। एग्ज़ाम विल बी ऑफ 90 मिनट। अच्छी बात यह है कि अब तक आप 3 घंटे का एग्ज़ाम देते थे, लेकिन अब आपको केवल 90 मिनट्स का एग्ज़ाम देना है, यानी 1 आवर 1.5 आवर्स का, जिसमें थर्ड पॉइंट आते हैं ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चंस जो होंगे वो केवल ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि या तो MCQ या तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, इस तरह का ही टॉपिक आपको मिलेगा वहाँ कवर करने के लिए, जिसमें आपका लैंग्वेज पेपर एक इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। देन आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, सब्जेक्ट विल इंक्लूड 1 लैंग्वेज पेपर एंड 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट ओनली। अब यहाँ पे आपका केवल 4 ही पेपर होंगे। वैसे आपके CBSE के अकॉर्डिंग 6 पेपर्स होते हैं, बट उन 6 की जगह अब आपका केवल 4 पेपर होगा, और वो 4 पेपर में से एक आपका लैंग्वेज का पेपर होना चाहिए, चाहे आपने हिंदी लिया है या आपने इंग्लिश लिया है, उसका एक पेपर होना है, तो वो होगा। और साथ में 3 आपके जो आपका मेन ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने लिया है उसका पेपर। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने सब्जेक्ट्स का बताऊं, तो अगर आपकी कॉमर्स स्ट्रीम है तो आपका एग्ज़ाम होगा बिजनेस स्टडी या फिर कॉमर्स का, और इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी एंड इंग्लिश। और अगर आपने हिंदी लिया है तो फिर या तो हिंदी, तो इस तरह से आपका पेपर होना है। तो ये 4 मेन सब्जेक्ट्स हैं जिनका पेपर कंडक्ट किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव वाइज ही पेपर होगा आपका। एग्ज़ाम्स विल बी कंडक्टेड इन ओन सेंटर्स ओनली। एक ये काफ़ी अच्छी बात है कि आपका एग्ज़ाम आपको किसी और सेंटर पे नहीं जाना होगा, आपका एग्ज़ाम आपके अपने सेंटर यानी अपने स्कूल में ही होगा, जहाँ से आपका CBSE एफिलिएटेड है। तो ये चीज़ इसके अलावा आते हैं नेक्स्ट, कि कौन कौन से मेन सब्जेक्ट हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स क्या हैं। तो वो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप साइंस के हैं या आप आर्ट्स के हैं या फिर आप कॉमर्स के हैं, तो उसमें जो मेन 3 सब्जेक्ट्स आपके होते हैं वो, और प्लस एक लैंग्वेज। तो जैसे अगर आप देख सकते हैं तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, हिंदी एंड इंग्लिश, ये हैं आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट, यानी इन्हीं सब्जेक्ट्स में से आपका एग्ज़ाम होना है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, 7th पॉइंट, जो कि है आपका, मार्क्स फॉर 5th एंड 6th सब्जेक्ट विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन दी परफॉर्मेंस ऑफ इलेक्टिव सब्जेक्ट। अब आपने दिए केवल 4 पेपर जो कि होने वाले हैं, 4 पेपर आप दोगे, और बाकी 2 सब्जेक्ट्स का क्या? तो बाकी 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो हैं वो आपके इसी 4 पेपर के परफॉर्मेंस के बेस पे मिलेंगे आपको। तो अगर मैं देखूँ तो बाकी 2 सब्जेक्ट्स की डोरी भी आप ही के हाथ में है, आप जैसा ये 4 सब्जेक्ट्स का पेपर दोगे वैसा ही आपके बाकी 2 में भी मार्क्स आने वाले हैं। देन आते हैं नेक्स्ट पे, दिस प्रोसीजर ऑफ एग्ज़ाम इज़ इन ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट दिल्ली एंड महाराष्ट्र। ये एग्ज़ाम्स जो होंगे ये आपके सारे स्टेट्स में फॉलो होंगे एक्सेप्ट दिल्ली एंड महाराष्ट्र। दिल्ली और महाराष्ट्र में ये एग्ज़ाम्स नहीं होंगे CBSE के फ़िलहाल, उससे रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, तो दिल्ली और महाराष्ट्र में नहीं होने हैं, लेकिन बाकी सारे स्टेट्स में आपके एग्ज़ाम्स होंगे। नेक्स्ट है कि डेट शीट कब तक आएगी। तो बिल्कुल आपकी जो डेट शीट है वो 1 जून तक या उससे पहले ही रिलीज़ हो जाएगी, तो उससे रिलेटेड वीडियो भी मैं ज़रूर बनाऊंगी कि जब आपकी डेट शीट आ जाएगी तो आपके कौन कौन से पेपर्स किस डेट को हैं
और क्या क्या प्रिकॉशंस वगैरह वहाँ पे लेने हैं, वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगी। एक चीज़ और भी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पेपर पड़ रहा है जून के लास्ट में जैसा हम देख रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर उस टाइम कोई बच्चा बीमार है या कोविड से सफ़र कर रहा है तो उसको अनदर चांस दिया जाएगा एग्ज़ाम देने का, तो नो नीड टू वरी। अगर फ़िलहाल तबीयत सही नहीं है तो आपको नेक्स्ट टर्न मिलेगी। तो ये चीज़ें हैं, और मार्क्स से रिलेटेड मैंने आपको बता ही दिया कि आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होने कैसे हैं। पेपर केवल 90 मिनट्स का है आपका, और बाकी अभी ये जो रिपोर्ट है तो ये एक बार इसका फीडबैक सारे स्टेट्स जो हैं वो मई 25 तक देंगे कि वो इस प्रोसीजर से सहमत हैं या नहीं। तो फिलहाल ये नोटिस आपकी आई है जो कि एक कह सकते हैं कि हाँ फाइनल डिसीजन है। वैसे आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होना है तो ये फाइनल ही डिसीजन है कि ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। तो बिल्कुल बहुत बड़े बड़े लॉन्ग क्वेश्चन से याद करने से आप बच गए, लेकिन अगर MCQ और ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं तो बिल्कुल आपको बहुत माइन्यूट चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो एक बार जो आप भूल चुके हैं उसको दोबारा से बुक्स वगैरह उठा के रिवाइज कर लीजिए। तो आई होप आपको पूरा वीडियो क्लियर हुआ हो। कोई आपको डाउट है या कोई आपको इस नोटिस से रिलेटेड कुछ भी आप कहना चाहते हो या कोई कन्फ्यूजन है दिमाग में तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखें। मेरे चैनल को अगेन सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।